हेलो डियर व्यूअर, स्वागत सभी का। कैसे हैं जी? सब ठीक हैं? तो आज हम देखेंगे जी इंडियन हैदराबाद वर्सेस पाकिस्तानी हैदराबाद। ना ही देखो तो बेहतर है क्योंकि मैंने दोनों देखे हुए हैं और आप कहोगे कि काश 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 हम पाकिस्तानी हैदराबाद में जन्म ना ही लेते। हाँ यही है कि इंडिया का जो हैदराबाद है वो एक बहुत ही डेवलप, बहुत ही बेहतरीन, और पाकिस्तान का जो हैदराबाद है वो आता है जी सिंध के अंदर। तो जब सिंध के अंदर आता है तो आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे जो सरकार है वो शुरू से रही है जी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी वहाँ पर फिर नारे ही होंगे जी ए भुट्टो। जो भुट्टो मर चुका है आज भी उधर जिंदा है, ये है, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका नाम तो एक जैसा है, क्योंकि जहां एक शहर भारत में है तो वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और इन दोनों शहरों का नाम है हैदराबाद। वैसे चाहे आप भारत में हो या पाकिस्तान में, हैदराबाद नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दोनों ही शहरों से जुड़े किसी भी डिटेल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की दूसरी बड़ी सिटी पाकिस्तानी हैदराबाद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पाकिस्तानी है भाई, अभी इंडिया का वो दिखाएंगे बाद में। नीचे इंडिया हैदराबाद लिखा हुआ है, ये पाकिस्तान का है। काश इनको तसल्ली नहीं देनी। शुरू करते हैं दोनों ही शहरों की कुछ बेसिक डिटेल से। तो 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा और करीब 1,10,00,000 पॉपुलेशन के साथ भारत का हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होने के साथ साथ देश के टॉप 10 शहरों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। और समय के साथ ये शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, इसलिए तो इसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और करीब 25,00,000 पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तानी हैदराबाद कराची के बाद सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है, जहां टेक्सटाइल, चूड़ियां, सीमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रीज सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद भारतीय हैदराबाद के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेशनल हाईवे N55, M9 मोटरवे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, गिनती की बसें और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 2013 से फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तानी हैदराबाद में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। वहीं भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद में सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा 67 किलोमीटर लंबा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पाकिस्तान देश के टोटल मेट्रो नेटवर्क से कई गुना बड़ा है। और भारतीय हैदराबाद में देश के कई बड़े शहरों से रेल और एसी बसें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारतीय हैदराबाद का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देख ही रहे हैं, चमचमाती कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, 5-स्टार होटल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल एरियाज की भी कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात जीडीपी की, तो दोनों ही शहरों की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पाकिस्तानी हैदराबाद की जीडीपी $13 बिलियन के करीब है, वहीं भारतीय हैदराबाद की जीडीपी $95 बिलियन के करीब है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने के कारण भारतीय हैदराबाद में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम, 2.5% क्रिश्चियन और 2.5% अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। और यहाँ तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है और यहाँ आज के समय में 94% मुस्लिम, 5% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों के लोग बचे हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू और सिंधी बोलती है,
तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ही शहरों के बारे में इस कंपैरिजन वीडियो से एक बेहतर आइडिया जरूर मिला होगा। वैसे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये कंपैरिजन कुछ अलग ही होता। और अगर आप भी घर बैठे बैठे देश के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो रिश्ते तो अच्छे होने चाहिए यार दोनों देशों के बीच में। कब ना होते तो फिर रिश्ता ही कुछ रहता। कब तक हम टांगे खींचते रहेंगे, कब तक हम जेलसी फील करते रहेंगे, कब तक हम एक दूसरे के खिलाफ साजिशें जो है वो रचते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना यार, एक नेबर कंट्री, एक ही पार्ट। अब ये देखो कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान भी तो इंडिया ही है भाई, बिल्कुल पार्ट ऑफ इंडिया है अगर देखा जाए तो। पार्टीशन होगी, अलग हो गया बांग्लादेश, अलग हो गया तो बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान भी है। तो ये सब चीज़ें जो थी, अगर पार्टीशन ना होती उस टाइम तो फिर सिचुएशन तो बहुत मुख्तलिफ होती। अगर पार्टीशन हो भी गई है तो उसके बाद से जो फिर जो रिश्ते हैं वो इतने ख़राब नहीं होने चाहिए थे। और चलें, अगर कुछ टेंशन थी तो उनको सॉल्व कर लिया जाता। वो क्या वो टेंशन ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही चलता, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका फ़र्क पाकिस्तान को पड़ना है। क्यों, हमारी इकॉनमी पहले क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हमें ये प्रॉब्लम भी फेस सिर्फ इसी वजह से करना पड़ी है कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अगर रिलेशन अच्छे होते तो हमें जो इतनी बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी ये वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक्सपेंस करना पड़ता है, वही लोगों की फलाह बहबूद में लगते, लोगों के कामों में लगते, कंट्री के ऊपर खर्च होता, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डिफरेंट हो सकती थी, बेहतर हो जानी, बेहतर से बेहतरीन हो जानी। लेकिन ये आपके इंडिया का हैदराबाद, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत डेवलप्ड और बढ़िया। बाकी पाकिस्तान का हैदराबाद कराची से करीब, और डरने की बात नहीं है वहाँ पे। लोग मतलब ये है कि जो बिजनेस कारोबार वगैरह कर रहे हैं वही उधर जाते हैं। अब सिंध है तो वहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत रोल है कि गवर्नमेंट शुरू से वो एक ही रही है, MQM या फिर PP, तो उनका है, उनका आपके सामने है कि करप्शन में जरदारी जो है, लोग अब ना दूसरे स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जाती हैं करप्शन के ऊपर और जरदारी, और इनका मियां साहब का नाम आता है बुक्स के अंदर कि करप्शन मिस्टर 10% के नाम से फेमस है, जरदारी जो है ये मिस्टर 10% के नाम से इन लोगों का नाम आता है जिनको हमने अपने लीडर बनाकर, और हम उनको कहते हैं कि हमारी अभी भी बेवकूफ़ पब्लिक इतनी है जो बस उनके पीछे नारे मारती है, उनको नहीं पता। हाँ बस वही चीज़ें, और उसी वजह से जो है हम तबाह से तबाह होते जा रहे हैं। बाकी ये है कि रिलेशंस अच्छे करने पड़ेंगे तभी आप चल पाओगे, सरवाइव कर पाओगे, वरना आपके हालात जो है इससे भी आगे मज़ीद ख़राब होंगे। तो आसिफ भाई जड़ा बढ़ाते हैं, हम अपना हैदराबाद उनको देते हैं, उनका ले लेते हैं। बेटा ऐसे नहीं हो सकता, ले लेते हैं वाली जो बात है ना, ये ले लेते हैं ना तो हमें तबाह किया हुआ है, ये ले लेते हैं जो है ना इसी ने तबाह कर रखा है। तो ये ले लेने वाली बातें जो है ना आप छोड़ दो, आप नहीं ले सकते कुछ, आप एक मैच नहीं जीत सकते, आपने ले लेना क्या है, अमेरिका से मैच हार गए हैं यार, ले लेने वाली क्या बात है। आप ऐसा करो, अब आप ठीक है आप अलग हो गए हो तो आप सोचो कि हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं जैसे वो कर रहे हैं, हम भी वही काम करते हैं, फिर आप में चेंजेस आ सकती हैं, बाकी और कोई सूरत हाल नहीं है। तो चलें जी, बाकी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में।